Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video I am going to review this two sunscreen. Okay, without wasting time let's get started. मैं बहुत दिन से एक अच्छी सनस्क्रीन ट्राई कर रही थी. मैं जो सनस्क्रीन यूज़ करती थी, मतलब डोंट नो वाई मेरी स्किन पे बहुत पिंपल्स आ जाते थे और वो बहुत तीनों बहुत थिक होता था और वो बहुत ऑयली लगता था मेरे फेस पर, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता था. इसलिए मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन ट्राई किए एंड फाइनली आई गॉट दिस टू सनस्क्रीन विच इज़ वेरी 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 गुड. ओके, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑल नहीं दिस टू सनस्क्रीन. द फर्स्ट इज़ फ्रॉम बायोटिक and it contains sandalwood. We know the importance of sandalwood for our skin. Okay, it is we all know biotic is a very advanced ayurveda, so it contains 50 plus SPF UVA sunscreen and it is very ultra smoothing face lotion. It is for all skin types and it is water resistant and 100% Ayurvedic recipe. It is bionical extracts and this sunscreen contains rich lotion that protects our skin with SPF 50 UVA sunscreen. Okay, चलो ये तो जो भी पैक पे लिखा था वो मैंने बताया. मैं अपना रिव्यू बताने जा रही हूँ कि मुझे कैसा लगा. ये बहुत ही लाइट वेटेड सनस्क्रीन मुझे लगा. यू कैन सी इट्स कंसिस्टेंसी. ये हल्का क्रीमी टाइप का है. ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे. यू कैन सी ये कितना जल्दी कितना लाइट है. ये आपके मेरी स्किन को बहुत ही ग्लोई बना देता है ना. जब मैं इसे लगा के बाहर जाती थी लोग पूछते थे तुमने हाइलाइटर लगाया है. तो बहुत ही आपके स्किन को थोड़ा ग्लो देता है क्योंकि मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा. और ये बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं है. ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके स्किन को ग्लोई और ऑब्वियसली सनस्क्रीन है तो धूप से तो प्रोटेक्ट करेगा ही. एंड द सेकेंड सनस्क्रीन इज दिस फोटो स्टेबल गोल्ड सनस्क्रीन. आई लव दिस सनस्क्रीन बिकॉज इट गिव्स मैट फिनिश and it is non comedogenic and it is water resistant. It is dermatologically tested and it contains SPF 55 and it works for 12 hours. Okay, its price is मुझे दिख नहीं रहा है. मैंने बहुत दिन पहले इसे खरीदा. ये 50 ग्राम का आता है. चलिए ये तो बात हो गई कि इसके पैक पे क्या लिखा है एंड मैं अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने इसे यूज़ करके फील किया. मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये मैट फिनिश देता है. जब आप इसे लगाते हो तो ये आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा बहुत ही कवरेज लुक देता है. यू कैन सी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी से ही. यू कैन सी दिस ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे और ये बहुत ही नॉन स्टिकी है. और मुझे जो पहले सनस्क्रीन में जो प्रॉब्लम होते थे वो नहीं होते. मैं जब इसे यूज़ करती हूँ तो मुझे फेस पे पिंपल्स नहीं आते हैं और बहुत सारी चीज़ों से इसने मुझे बचाया है. इट प्रूव्स अ गुड सनस्क्रीन फॉर मी. मुझे तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा. ये मैंने 2 महीना पहले ख़रीदा था
एंड बिलीव मी इट्स वेरी गुड, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली गुड आई थिंक। करते हैं सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। आप जब भी बाहर जाते हैं तो बिना सनस्क्रीन के कभी नहीं जाए, आपकी स्किन को जो सन रेज आते हैं आपकी स्किन पे वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि अगर बादल बहुत ही क्लाउडी डे है फिर भी सन का जो रे है वो बादल को भी फिल्टर करके हम अर्थ पे आ जाता है, वो हम देख सकते हैं। तो आप सोचिए सन का जो रे है वो कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे स्किन के लिए। सो आप जब भी बाहर जाएं या फिर आप घर में भी है डे टाइम में सनस्क्रीन कभी भी स्किप ना करें। आप अपने फेस पे, नेक पे, हैंड पे, सभी जगह पे सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाएं। और समर में तो ये बहुत 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 ज़रूरी है और विंटर में भी बहुत ज़रूरी है। आप कभी बाहर निकले डे टाइम में तो आप कभी सनस्क्रीन स्किप ना करें। आप रात को स्किप कर सकते हैं बट डे टाइम में आप कभी भी सनस्क्रीन को स्किप ना करें। इट्स वेरी एसेंशियल फॉर आवर स्किन। मैंने दो बताया है, अगर आपको और भी सनस्क्रीन है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, दैट्स इट इन द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड फॉर मोर सच वीडियोज एक्सप्लोर टू माई चैनल सैप लाइफ स्टाइल एंड bye bye, see you in the next video.